आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की चटनी, जिसमें कम से कम नहीं तो भी दो दो या तीन छोटे वाले मूली को अच्छे से साफ करके काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और थोड़ा सा इमली रखिए, फिर छोटा सा एक प्याज अलग से काट कर रख लीजिए, चाहिए तो एक लहसुन का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं वो इच्छा के अनुसार, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कम से कम 15 से 20 लीव्स होना चाहिए, पत्ता होना चाहिए, मीठा नीम की पत्ती, और स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा एक 2 या 3 टेबल स्पून आके तेल, रिफाइंड ऑयल, तेल की मात्रा चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं, और जरा सा एक हाफ छोटे चम्मच से, छोटे वाले चम्मच से भी थोड़ा सा कम राई, और छोटे चम्मच में आधे से भी कम उड़द की दाल, और 5 या 6 ड्राई चिल्ली माने सूखा लाल मिर्च, इसको अलग से रख लीजिए। कढ़ाई को गरम करिए, इसमें 2 या 3 बड़े चम्मच में तेल डालिए, तेल गरम होने के बाद राई डालिए, राई चिटचिट होने के बाद आधे चम्मच, छोटे आधे चम्मच से भी कम उड़द की दाल को डालिए, अब ये हल्का सा भूरा रंग आने के बाद प्याज डालिए, मूली को डाल दीजिए, फिर पकाने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मूली जब पक जाएगा इसको अच्छे से मिलाइए, स्वाद के अनुसार नमक डालिए, चम्मच चलाते रहिए धीमे आंच में, मूली जब आधे पकने तक का छोड़ दीजिए 5-6 मिनट के लिए, ढककर रख दीजिए धीमे आंच। अब इस तरह ये मूली आधा पकने के बाद लाल मिर्च को डालिए, खड़ा लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालिए, इसको अच्छे से मिलाइए, एक 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए, ढक कर रख दीजिए धीमे आंच में, हाँ इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद ये इमली को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस दीजिए। मूली की चटनी को मिक्सी में ग्राइंड होने के बाद ऐसा दिखाई देता है, आप इसे इडली के साथ या गरम गरम चावल में थोड़ा सा घी डाल के खाने से बहुत स्वादिष्ट होता है, इसे दोस्त किसी भी प्रकार के डोसे के साथ भी खा सकते हैं।